स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। सब्जी में भी ऐसी सब्जी नहीं, ज्यादातर ऐसी आती है कि ठीक ही आती है। मध्यान्ह भोजन में भ्रष्टाचार की खिचड़ी आखिर कब तक पकती रहेगी? प्रशासन कार्रवाई करने में हिचकिचा क्यों रहा है? देवास से हमारे संवाददाता डॉक्टर रईस कुरैशी बता रहे हैं कि सतत खबरें दिखाने के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को शिक्षा के मंदिर में लाने के लिए शुरू किए गए मध्यान्ह भोजन की योजना के साथ कुछ लोग किस तरह खिलवाड़ करते हुए अपनी जेबों को भर रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको याद होगा, इसके पूर्व भी खबरों की रोशनी के संवाददाता अपना कैमरा लेकर कई माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों का दौरा कर चुके हैं। इस बार भी उन्होंने नयापुरा स्थित अलॉट पाएगा प्रांगण में लग रहे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का दौरा किया और वहां से आ रहे मध्यम भोजन की क्वालिटी को स्वयं खाकर जांच करा तो पाया इतने ही दिन हो गए अब तक अधिकारियों और ठेकेदार के द्वारा बच्चों के खाने के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे कुछ भूखे लोग और अधिकारी अपना पेट भरने में लगे हैं और भ्रष्टाचार की पिक्चर साफ दिखाई पड़ रही है। संबंध में हमने जिला पंचायत के CEO हिमांशु प्रजापति से भी पूर्व में चर्चा की थी। उनका कहना था कि हम रैंडम जांच करवा रहे हैं मगर जांचों का सर स्कूलों में आ रहे खाने में स्तर में नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथियों, आज हम पहुंचे हैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक के आलोक पर्वत पर। यहाँ पे आज हम खाने की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। आपको याद होगा, इसके पहले भी हम लोग खाने की क्वालिटी को देखने के लिए इस शहर के कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का दौरा कर चुके हैं। वहाँ खाने की स्थिति क्या थी, हमने आपको पहले भी कैमरे की मदद से बताया था, आज फिर हम बता रहे हैं कि खाने की क्वालिटी क्या है। आज यहाँ पर बढ़िए और आलू की सब्जी आना और रोटी की रोटी, ना इसके साथ में अचार है, ना इसके साथ में पापड़ है, ना कुछ सलाद है। अब हम खाना आपके सामने खाके देखते हैं कि खाने की स्थिति क्या है। ये रोटी है, रोटी बहुत कड़क है, ये हम रोटी आपके सामने तोड़ रहे हैं, ये रोटी बहुत कड़क है, मोटी भी है और कचरी है। मेनू के हिसाब से आज यहाँ पर बढ़िया की सब्जी आना थी, लेकिन मुझे यहाँ पे दाल नजर आ रही है, ये दाल है, कहीं भी बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। ये आपके सामने में खा रहा हूँ, ये दाल, जबकि जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि आज यहाँ पे बढ़िया की सब्जी आना थी, बढ़िया की सब्जी कहीं नजर नहीं आ रही। टेस्ट कैसा है आपको बताओ। सिर्फ उबली हुई दाल है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ना मिर्च है, ना बहुत ज्यादा नमक है, ना कोई टेस्ट है। जिस तरीके से बच्चे खा रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मुश्किल से ही बच्चे खाना भेज रहे होंगे। कड़क आती है अच्छा, तो फिर तुम खाते किस से हो? बस बाकी ज्यादा काट दिया। आप देखिए बच्चे खुद शिकायत कर रहे हैं खाने का स्तर बेहद घटिया है, पूरी जो आती है वो यहाँ पे कड़क आती है, बच्चे बड़ी मुश्किल से उसको पेट में उतारते हैं। केवल खाना इसलिए खाते हैं कि इस खाने का कहीं भी अपमान ना हो, जो अपने प्लेट में उसको साफ कर लेते हैं, उसके अलावा खाने में टेस्ट ना की कोई चीज नहीं। पर मध्याह्न भोजन को लेकर प्रदेश जनवार्ता ने एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें जो भोजन की क्वालिटी बेहद घटिया थी, उसके अंदर कीड़े निकल रहे, उसके अंदर धनोरे निकले और पूरी का स्तर इतना घटिया है कि बच्चों के दांत टूट गए। उसी में कुछ बच्चों की शिकायत थी कि उनको दस्त और उल्टी की शिकायत चलते हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसको लेकर आपका क्या कहना? जैसे एमडीए से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी, वो पिछले देवास शहर के स्कूल की है,
उसको संज्ञान पे लेकर हम लोगों ने रैंडम जो है क्वेरी भेजी थी जाँच के लिए, क्योंकि ये बार बार हमें रैंडमाइज सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो लगातार रैंडम जाँचों के बाद जो प्रतिदिन आता है उसके जो प्राप्त होगा उसके आधार पर कार्रवाई की। ठीक सर, थैंक यू। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।